ज्ञानवापी में पूजा शुरू होने के बाद अब भक्त भी दिल खोल कर दान दे रहे हैं। घंटा और पूजा से जुड़े सामानों के बाद अब बनारस के व्यापारियों ने चांदी का सिंहासन भी महादेव को दान में दिया है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर पहुंच चांदी का सिंहासन व्यास परिवार को सौंपा है। बताते चले कि यह सिंहासन करीब 1.25 किलो चांदी से तैयार हुआ है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बताया कि सभी उद्यमियों के सहयोग से चांदी के इस सिंहासन को बनवाया गया है, जिसे आज सभी व्यापारी बंधुओं ने व्यास परिवार को सौंपा है, ताकि तहखाने में देव विग्रह वहाँ उस चांदी के सिंहासन पर विराज सके। इसके लिए बाकी की कानूनी प्रक्रिया उनकी ओर से की जाएगी। बताते चले कि चांदी के सिंहासन पर स्वास्तिक के निशान के साथ खूबसूरत डिजाइन उकेरी गई है। हम लोग ज्ञानवापी के नीचे जो तहखाना है, जहाँ पे अभी तलगरी जहाँ पे अभी पूजा प्रारंभ हुई है, व्यासपीठ में जहाँ पूजा प्रारंभ हुई है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पर पूजा हो रही है, वहीं पर हम लोग प्रभु के लिए, भगवान के लिए ये हम लोग आसन 1.25 किलो के चांदी का लेकर के हम सब उद्यमियों की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। सब उद्यमी हम लोग एक जा रहे हैं, आज उनके चरणों में इसको हम लोग अर्पित करेंगे और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आएंगे। अब तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, उन्हीं लोगों को सुपुर्द करेंगे, व्यास परिवार को ही हम लोग सुपुर्द करेंगे, ये बातचीत हो चुकी है। इसीलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे गेट नंबर 4 पे और वहाँ जा कर के हम लोग अंदर जा कर के वहाँ पे उनको सुपुर्द करेंगे, फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो लोग अपना करेंगे।